मत बड़े कैमरे वाले ले, बड़े स्टेप बाई स्टेप, एक साथ में सब मत लीजिए। सर हो गया आपका? नहीं प्रतीक, पूरा पूरा केक केक लगा हुआ चेहरे पे। किसने लगाया? लाल है। हाँ लगा हुआ है। एक मिनट का सर, लोग सामने सबका अब गॉड किसको खिलाएगा? सब अपने अपना खाइए। मैं एक बार ना ऐसे घूम चलिए लोकिया मैम सर थैंक यू। बहुत अच्छी रही है। हमें तो खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने जल्दी 100 एपिसोड्स भी हो गए, इतने हंसी खुशी 100 एपिसोड्स भी निकल गए। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक, तो आई होप और आगे भी बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छी चलेगी। वैसे तो अभी तो रोना ही है क्योंकि दादी मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दादी मुझे एक्सेप्ट करे। तो ऑब्वियसली मिश्री को बुरा लगता ही है कि जैसे ही दादी उसे एक्सेप्ट करने जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर वो वापस दादी से दूर चली जाती है। तो हाँ अभी है, थोड़ा बहुत रोएगी पर बाद में उतना ही हंसेगी मिश्री। मुश्किल या आसान तो नहीं है पर हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है कि जैसे होता है इमोशंस निकालना, जैसे हमें हमारे सुबह सुबह भी सीन्स होते हैं मेरे रोने के कि मुझे रोना है, उसको फील करना है कैरेक्टर को। तो हाँ वो कभी कभी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह रोना ऐसे सब करना। कभी मूड बहुत अच्छा होता है पर फिर भी रोना पड़ता है, कभी मूड रोने वाला होता है पर फिर भी खुश होना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है बट इट इज़ फाइन। जैसे अभी है कि दादी माँ को फील तो होता है कि भले ही अनु कोई दूसरी उनको लग रही है, उनको लग रहा है कि प्रिया अनु है, पर फिर भी उनको मिश्री से फीलिंग आती है कि शायद ये ही अनु है, ये हमारे क्लोज है, ये ही उनको मिश्री से ही फीलिंग आती है कि ये मेरे पास थी। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि लाइक बीइंग अ मेन लीड मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एटलीस्ट 100 एपिसोड्स भी हम लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे इतने अच्छे से। तो थैंक यू सो मच और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये मैंने पहना है क्योंकि मैंने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो डांस के लिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। सो हाँ ये मेरा ड्रेस है, ये मेरी ज्वेलरी है। तो मिश्री अभी डांस करेगी, भले उसके पैर में लगी है चोट पर फिर भी वो डांस करेगी क्योंकि उसे दादी माँ का दिल जीतना है। और उसके आगे क्या होता है ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये हम नहीं बताने वाले, ये आपको देखना पड़ेगा कि दादी माँ उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। भले उसने इतनी उसको चोट लगी है उसमें भी उसने डांस किया है, तो उसके बाद दादी माँ का दिल पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा ये तो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू। मेरा किरदार, मैं बड़ी दादी हूँ, दादी जी की बड़ी बहन,
भगवती मेरा कैरेक्टर का नाम है, और मैं मिश्री पे हमेशा से भरोसा करती रही हूँ, और किसी भी हाल में मुझे उसके ऊपर शक नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो मिश्री के ऊपर हमेशा भरोसा करती है, उसे ऐसा लगता है कि यही है जो विद्या, जो उनकी परछाई है, यही है वो लड़की, ऐसा हमेशा उसकी परछाई देखती हैं वो उसमें, और हमेशा हमेशा सपोर्ट करती हैं, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है मेरा। सिंदूर की कीमत दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है, और आज समय एपिसोड हो चुका है, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी कि अपना प्यार बनाए रखें, और हमारी पूरी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाते रहें, और अपना प्यार बनाए रखें दर्शक। थैंक यू। मुझे लगता है सिंदूर की कीमत इज़ ऑल अबाउट हाई वोल्टेज ड्रामा। हमें हर बार लगता है कि इस बार मिश्री कुछ ऐसा कर जाएगी जिससे दादी अम्मा खुश हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं होता और वो वापस नोज डाइव पे आता है, क्योंकि ड्रामा तो चलता है और ड्रामा चलता ही रहेगा हमेशा। यस, मैं तो चाहती हूँ ये ड्रामा ऐसा चले कि हम बस इस ड्रामे का तहलका बनाएं, 100 से 200, 200 से 250, 300 तक तो कम से कम पहुँचे ही, उसके बाद सब अपना अपना कर सकते हैं, सबको आगे कुछ। मेरा किरदार मैं प्ले करती हूँ यशोदा, और हर शो की तरह इस शो में भी मेरा एक तकिया कलाम है जिसका जो है राम भला करे, और बस वही मिर्च, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा मसाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ा चटकारा, थोड़ा तड़का, यही है मेरा कैरेक्टर, और कुछ ना कुछ बीच में करती रहती हूँ। मैं जैसे नज़र में भैरी थी, इस शो में मैं हकलाती हूँ, तो राम भला करे, तो आई थिंक वो एक एलिमेंट ऐड करता है, और मुझे भी एज एन एक्टर एक अलग फ्लेवर डालने मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो मेरे कैरेक्टर्स जो मैंने आज तक किए वो काफ़ी सिमिलर रहे हैं, सब में एक तकिया कलाम होता है, सब में एक कॉमिक नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें एक अलग एलिमेंट है जो हकलाने का है। सो या आज हम शूट कर रहे हैं कि अम्मा ने मिश्री को एक कंपटीशन रखा था, उस कंपटीशन में मिश्री जीतने ही वाले होती है, और अन्नू अपनी चाल चल देती है, और पता चलता है कि उसने डायरी चुराई हुई थी, तो अम्मा मिश्री को पनिश करती हैं कि तुम बारिश में बैठोगी रात भर और इस डायरी को रीराइट करोगी। वो बेचारी रीराइट करके आती है और अन्नपूर्णा जी उस डायरी को फाड़ के उसके मुँह पर फेंक देती है, जो ड्रामेटिक शॉट हम सब एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें वो पत्ते उड़ते हैं, पेपर उड़ता है, वो भी हुआ। So I think we are doing everything in our capacity to add all the drama, जो हमारी audience को I think अच्छा भी लगता है, थोड़ी नोक जोक, थोड़ा romance, थोड़ा प्यार, थोड़ा आचार। सबसे पहले तो मैं सिंदूर की कीमत की सारी ऑडियंस को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब लोग ने हमारी मेहनत को सराहा, उसे पसंद किया, इसलिए आज तक हम 100 एपिसोड्स पे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो, थैंक यू सो मच हमें ब्लेस करने के लिए, प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो, और अगर आप चाहते तो अपनी सजेशंस भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू या चैनल को कहीं ना कहीं ईमेल करके भेज सकते हैं, वी शैल इम्प्लीमेंट दैट। यही कहना चाहूँगा कि अभी 100 एपिसोड हो गया, और ऐसे ही 100 नहीं, 1000, 2000, 3000 बस बढ़ते ही जाए। बहुत मज़ा आया, आई मीन जितना फैन से पता चल रहा है कि वो मेरा कैरेक्टर तो उन्हें अच्छा लग रहा है, प्लस सिर्फ मेरा ही नहीं, इनफैक्ट शो में जितने भी लोग हैं सभी का कैरेक्टर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो हमारी टीम है पीछे बहुत मेहनत कर रही है इस शो पे, हम लोग 12 घंटा भी नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 14 घंटा शूट करते, सुबह को आते हैं, रात को जाते हैं, और यही हो गया है बेसिकली, ये हमारी एक दूसरी फैमिली बन गई है, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मज़ा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अभी तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 100 एपिसोड हो गया, तो केक भी आ गया सेट पे, सो अभी एक ही सीन हुआ है सुबह से, कुछ ज़्यादा सीन हुआ नहीं है, आज सब वही मूड में कि सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, सो यही है। बट शो में क्या नया ड्रामा है? ट्विस्ट तो बेसिकली हर एपिसोड में ही आपको देखने को मिलता होगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मिश्री को दादी एक्सेप्ट करती है फिर वापस से रिजेक्ट कर देती है, सो अब ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, वरना अगर सब कुछ मैं आप लोगों को इधर बता दूँगा तो फिर शो कौन देखेगा, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग शो देखो मंडे टू सैटरडे 9 बजे दंगल पे। ये मैं बता सकता हूँ कि जहाँ तक कि शो अभी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है,
क्योंकि जो मिश्री से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, अर्जुन से रिलेटेड है, कुछ कुछ चीज़ें ऑडियंस को पता चलेगी जो कि ऑडियंस खुश होगी आई एम श्योर। बस अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, पूरा तो कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, बट मज़ा आएगा ऑडियंस को। ये तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 100 एपिसोड्स ऑफ सिंदूर की कीमत और टच वुड, हमारे लिए तो एक माइलस्टोन है और मेरे लिए पर्सनली भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये साल मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री में और 10 साल बाद अच्छा लगता है कि आई गॉट माई फर्स्ट यू एज अ लीड और 100 एपिसोड्स खत्म हो रहे हैं और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, सो टच वुड, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आपके लिए डबल सेलिब्रेशन है, इतना 10 साल के करियर हो ये। हाँ, काफ़ी लंबा करियर हुआ है, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और ये शो ने मुझे और फोर लाइन्स में शुक्र अलहमदिल्ला और दंगल चैनल बहुत बहुत कुछ दिया है, तो थैंक यू। तो अर्जुन का कैरेक्टर कितना यादगार रहा आपके लिए? अभी तो चल रहा है, चलता रहे 100, 200, 400। मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस शो में, बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस। शुरुआत में मैं सच बताऊंगा कि मैं सोच रहा था कि मैं जानता नहीं हूँ लोगों को कैसे होंगे, थोड़ा नर्वस था, सोच रहा था क्या होगा, बट वैभवी हंकारे, प्रेरणा शर्मा, आई मीन किरण मैम, मीना मैम, आई मीन आशिता, पूरी गैंग, द होल गैंग, प्रताप सर, विजय भाई, मेरा जो असिस्टेंट प्ले करता है अमित, एंड मिस्टर अमित कौशिक ऑल्सो जो हमारे फादर प्ले करते हैं, मुझे सबके नाम लिटरली मुंह पे याद हैं एंड दे आर बाय फार वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड नाइसेस्ट फैमिलीज, अगर आई फॉरगेट सिराज भाई ऑल्सो एंड हाँ, और फिर हमारी जो क्रू और जो यूनिट है जो इतने घंटे इतने दिन बैक टू बैक हंसते खेलते काम करते हैं, देखिए अभी भी चालू ही है शो, तो टच शूट, यहाँ एक टीम वर्क हो रहा है, ऐसे चलता रहे। आज का सीक्वेंस शूट किया है आपने? आज हमारा ड्रामा चल रहा है एज यूजुअल, अभी अनु और मिश्री की मेन ट्रैक चल रहा है एंड अर्जुन इज एंजॉइंग द शो, वो आ रहा है जा रहा है और 100 एपिसोड को सेलिब्रेट कर रहा है। काफ़ी टन ऑफ पुश इसमें रहता है शो में, एज यूजुअल हर शो में तो होता ही है, हमारे शो में भी है और ऑडियंस टच शूट पसंद कर रही है और आ रही है, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग सब नहीं होते तो हमारे 100 एपिसोड्स पूरे नहीं होते और ये जो खुशियाँ आप सुन रही हैं वो सब आपकी वजह से, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर बींग विथ मी इन दिस जर्नी एंड बिग शाउट आउट टू फोर लाइंस, टू गुल मैम, टू आतिफ सर, टू दंगल चैनल, टू एवरी वन हु सपोर्ट्स एंड बिलीव्स, आवर एंटायर कास्ट एंड क्रू, अजय सर द गैंग। अपना किरदार और अपना नाम बताते हुए। ओके, सो माय कैरेक्टर नेम इज प्रिया उर्फ अनु, आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव लीड इन द शो ऑफ सिंदूर की कीमत एंड माय नेम इज प्रेरणा शर्मा। तो आज 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो बस ये कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, इतनी मेहनत और डे नाइट शूट कर करके फाइनली हम एक सेंचुरी पे पहुँच गए हैं, 100 एपिसोड हमारे पूरे हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अब तो एक फैमिली जैसा रिश्ता बन गया है सेट पे एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग दिस वैम्प एंड स्पाइस एंड लकीली आई गॉट दिस रोल एंड आई एम सो हैप्पी, सीरियसली। या ओके, आपके कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन से स्टार्ट करूँ? जी, या सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा शर्मा, इट्स मी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लवली चैनल्स राइट नाउ। सो गाइज, ऐसा है कि मेरा कैरेक्टर नेम है प्रिया उर्फ अनु फ्रॉम सिंदूर की कीमत एंड आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव लीड, यू कैन कॉल मी अ वैम्प इन द शो एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट माय कैरेक्टर की इस रोल को जब मुझे ये मिला था तब मुझे पता नहीं था कि ये लोगों को इतना पसंद आएगा, मैं ये फर्स्ट टाइम नेगेटिव लीड प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत डर रही थी कि मैं इतना यू नो इट्स अ वेरी टफ रोल टू वोट ऑन स्क्रीन की पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सो मच यू नो शेड्स इन दिस कैरेक्टर, बट हिम्मत मिली मुझे, काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे डायरेक्टर का सबका और मैंने ये रोल प्ले किया और लोगों को पसंद भी आया, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच एंड या आई लव माई कैरेक्टर। 100 एपिसोड्स क्या कहना चाहेंगे आप? 100 एपिसोड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत की है
डे नाइट शूट किया है और बहुत मेहनत के बाद हमारी ये सेंचुरी कंप्लीट हुई है पूरी फैमिली की एक तरीके से. और 100 एपिसोड पे बहुत एक्साइटेड हैं हम सब, बिकॉज इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे तो मेरे कैरेक्टर से कि मैं यहाँ तक इस कैरेक्टर को लेके आ जाऊँगी. बट वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी. या वेरी हैप्पी. आज सीक्वेंस आप लोगों ने शूट किया है? आज हमने सीक्वेंस शूट किया है जिसमें मैं एक और अच्छा कांड कर रही हूँ, एक स्पाइस कर रही हूँ फिर से. वो पूरी तरह रिवील नहीं कर सकती बट इतना बता सकती हूँ कि हाँ मैंने कुछ पानी वानी गिराया है ताकि कोई गिर जाए तो मेरा राज बाहर ना आए. काइंड ऑफ या मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एज़ वेल. या आप लोगों की कैसी ट्यूनिंग है शो में? बहुत अच्छी. हम लोग दुआ करते हैं कि और सीन्स आए, और सीन्स आए, और सीन्स आए, और सीन्स आए. कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं हमारे सीन. हम वेट करते हैं कि हमारे सीन साथ में कब आए. टच वुड, आज तो अच्छा सीन दिया. टुडे वी हैड अ गुड सीन. आप हम लोग सीक्वेंस क्या है आज दर्शकों के लिए, क्या नया दिखा? कुछ है अलग है, एक अच्छा ट्रैक आया है. सीन पूरी तरह तो नहीं मैं बता पाऊंगी बट हाँ काफी अच्छा सीन है. कि ड्रामा शुरू है, आप शो देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर हम कहाँ पहुँचे हैं और उसके हिसाब से आगे ड्रामा क्या बनने वाला है. 100 एपिसोड पूरा हो चुका है, दर्शकों ने काफ़ी आपको पसंद किया है, क्या उस पर कहना है दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बोलेंगे थैंक यू, बिग बिग थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. इसी तरह प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए. कंग्रेचुलेशन the entire team of Four Lions, the Dangal channel, all of us for 100 episodes. Yeah. कहानी में ऐसी कोई ट्विस्ट आने वाली है जो दर्शकों को काफ़ी इंटरेस्टिंग होता ना, एक टीवी छोड़ के जाना नहीं और आपके नेक्स्ट भाग का इंतजार करें? हम लोग सरप्राइज का वेट करते हैं हर दिन कि आगे क्या होगा. और एज एक्टर्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है कि हमें आगे नहीं पता क्या होने वाला है. जब स्क्रिप्ट आती है तो बड़ा मज़ा आता है. बट काफ़ी अच्छे सीन्स अभी आगे आने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड हैं हम भी. वी आर सो हैप्पी कि हमने फाइनली सेंचुरी कर लिया. हो गई सेंचुरी. शूटिंग के दौरान क्या हो गई मस्ती आप जिससे ज़्यादा आपके पास? वो तो डेली होती है, डेली होती है, इतनी डेली है. आज कितना हंस के गिर गए थे, आज ही वैक्यूम वाले इंसिडेंट में. वैसे हम पब्लिकली नहीं बताते पर हम बहुत मस्ती करते हैं सेट के ऊपर. प्रोड्यूसर आके हमें डांट देंगे, इतनी मस्ती करते हैं. हमारे बीटीएस जब वो देखेंगे तो कहेंगे क्या हो रहा है, तुम शूट कर रहे हो कि मस्ती कर रहे हो? यस ऑफ कोर्स इट्स बीन फन. बहुत मजा आया सो फार. मतलब जो ऑन स्क्रीन दिखता है कि मैं और अर्जुन इतने फाइट वगैरह करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते हैं. वी आर एक्टर्स हम लोग. या बट इट्स गुड टच. इट्स अ गुड बॉन्ड बिटवीन मी एंड हिम. या सीरियल का नाम सिंदूर की कीमत ऐसा कुछ डाला है? सिंदूर की कीमत टीम के अंदर ऐसा कुछ आप बोल दीजिए. मैं शहर का नंबर वन काफी हो मेरा एक. मैं तो बोल ही नहीं सकती सर, मेरे तो सिंदूर ही नहीं लग रहा. मेरा तो रोल ही नहीं है, बोल ही नहीं सकती मैं. बढ़िया स्टार्ट छोड़ो, इट्स बीन बॉल. ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड 100 एपिसोड्स लॉट ऑफ लव. थैंक यू सो मच. और मतलब वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता. अभी हमने 100 एपिसोड पूरे किए. मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 1000 एपिसोड 2000 एपिसोड तक भी जाएं और दंगल चैनल अपने माइलस्टोन बनाए हमारे शो से. मेरी यही इच्छा है. आज दो दो केक कट रहे हैं. दो दो केक कट रहे हैं दोनों इसी काम के लिए. इसी काम के लिए. थैंक यू.